शंकर और अब ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरे फ्रेंड्स लोग। हेलो, हाय रोनी, हाय ब्रो, हाय विकास, हेलो, हाय अनिल, कमल ब्रो, राहुल। तो हम निकल चुके हैं महादेव मंदिर के लिए। बस मौसम भी अभी बहुत सुनहरा है, काफी हमारी टीम जो है वो निकल पड़ी है। पड़ाव पार कर चुके हैं हम, पहला पड़ाव, सॉरी पहला पड़ाव के हिसाब से बताओ, पार कर चुके हैं हम अभी। और देखिए हमारे सभी मित्र 3 घंटे 5 बजे पहुंचेंगे, अभी भी स्टे करते हैं। 3 घंटे हैं अभी पहुंचने के लिए। और शॉप पे पहुंच चुके हैं, कुछ खाने खुने के लिए रुकेंगे अभी और कुछ फोटोग्राफिंग करते हुए। और ये देखिए, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छी सिटिंग पोजीशन यहाँ पे बना रखी है। और जो साथी हैं फोटो स्नैप कि ये जो है भोलेनाथ ने भेजे हैं, भोलेनाथ के, ये इन्होंने हमें पूरा रास्ता दिखाया जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की वहीं से ये हमारे साथ है। चूड़धार के 10% अभी हम पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ का कितना शुद्ध वातावरण। ये गाइस भोले की धुन में चले हुए हमारे साथी कितने आनंद लेते हुए, कितने मजे करते हुए। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है। शानदार पहुंच चुके हैं और अब हम आपको दिखाते हैं जहां हमें अच्छे लोग मिले और उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। यहां देखिए हमारे सारे साथी यहां पे जो हैं वो रुके हुए हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं जिन्होंने यहां पे हमें सहारा दिया है इस गांव में शाबदार में। ये हैं, इनके काफ़ी हैं, आपने हमारा यार काफ़ी साथ दिया और थैंक यू। पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने हमें पानी वगैरह सब कुछ पूछा। और आप यहीं रहते हो, आपका घर यहीं है? अच्छा, ये आपकी शॉप है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, ये इनकी शॉप है। ये हमारे फ्रेंड्स सारे यहीं पे हैं लेने के लिए, हमें पूरे रास्ते हमें रास्ता दिखा रहे हैं हमारे भाई साहब। ये भाई साहब हैं जो जिन्होंने हमें यहाँ पे सहारा दिया, पानी वगैरह पूछा है, हमारी काफ़ी मदद की है हमें रास्ता बताने में। और क्या नाम है भाई साहब आपका? राम शंभू। राम शंभू, राम शंभू जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने हमें बहुत सारा दिया है, हमें हौसला दिया है, थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा दिलाव सुनिया जी। कभी भी आना हो आप लोग यहाँ रुकना, काफी हेल्पफुल है। ये मेरे भी है, पर ये हमारे साथ हेल्प भी करते हैं। अच्छा, ये दुकान संभालते हैं। मैं सबसे पहले आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारा काफी, थैंक यू, ये आपने पाल रखी है, बहुत बढ़िया। जिंदगी भी ना सगी है लगी मेरी। सेकंड पड़ाव जो है वो हम पार कर चुके हैं, अब हम निकल पड़े हैं तीसरी स्टेज के लिए जो कि काफ़ी दूर है। बताया जा रहा है कि अभी आपको आगे तीसरी में पहुंचने के लिए 2 घंटे और लगेंगे। ट्रैक ख़त्म होने को नहीं आ रहा है, सवेरे से शाम हो गई है, साथ ही हमारे सारे चले हुए हैं। डुक 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 डुक, देखिए
जय हो शंकरा। मॉर्निंग का टाइम है, हम निकल पड़े हैं चूड़दार मंदिर के लिए, भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे कुछ ही देर में। और जीरो विजिबिलिटी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथी जो है जीरो विजिबिलिटी के साथ चलते हुए भोलेनाथ के दर्शन के लिए। जय बोले शंकर, जय हो बोले शंकर, जय हो, जय हो, जय हो, जय बोले, जय जय। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि जीरो की विजिबिलिटी है अभी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, और साथी मेरे सारे धीरे धीरे चलते हुए अभी कुछ ही देर में हमें भोलेनाथ के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ से मात्र अभी 6 किलोमीटर और रह गया है, तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी ही देर में। देखिए हमारे कुछ साथी पहुंच चुके हैं, और कुछ साथी हमारे अभी नीचे हैं। स्लोली स्लोली चलते रहो, और भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, उनकी महिम कृपा से हम जो हैं भोलेनाथ के दरबार पे पहुंच चुके हैं। और अब सिर्फ 10 मिनट का हार्डली रास्ता है, हम बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। मेरे सारे दोस्त, मेरे सहपाठी, सारे के सारे सब भोले की कृपा और मेरे परमपिता परमात्मा की आसीन कृपा से हम ये सफर तय कर चुके हैं। जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं।